विषय है आप्त परीक्षा के आधार से आप्त परीक्षा का परिचय ग्रंथ आप्त परीक्षा ग्रंथ का परिचय ग्रंथकार का परिचय और मंगलाचरण में आचार्य ने क्या बताना चाहा है उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। आप्त परीक्षा जो ग्रंथ है वह नाम से ही सार्थक होता है। इस ग्रंथ में क्या आप्त की परीक्षा की गई है, आप्त कौन है कौन नहीं है, कैसे है, किन गुणों का उनमें समावेश होना चाहिए और किन गुणों का उनमें समावेश नहीं होना चाहिए, ऐसा आप्त परीक्षा ग्रंथ नाम सार्थक होता है। और क्या है कि इस आप्त परीक्षा में विभिन्न दर्शनों में मान्य आप्त जो अन्य दर्शन है बहुत सारे सर दर्शन में से मुख्यता से कहे जाते हैं और उन दर्शनों में जो आप्त मान्य है जो अपने अपने आप्त को अपने अपनी मान्यता अनुसार मानते हैं तो उनकी परीक्षा की गई है। और सर्वप्रथम जो जगत का कर्ता है ईश्वर जगत का कर्ता है कर्ता नहीं है और जो सांख्यों के द्वारा मान्य कपिल हैं बौद्धों के द्वारा मान्य सुगत हैं वेदांतियों के द्वारा मान्य ब्रह्म या ब्रह्म पुरुष हैं इन सब की इसमें परीक्षा मुख्यता से की गई है। और अब इस बार थर्ड ईयर के कोर्स में ईश्वर परीक्षा तक हैं 60 बालिकाएं इसमें भी अपने कोर्स में हैं तो वहाँ तक इसमें ईश्वर परीक्षा भी इसमें की गई है मतलब जो अन्य अन्य दर्शनों में जो आप मान्य हैं उनकी परीक्षा की गई है। और इसमें सिद्धि किसकी की गई है कि इसमें परीक्षा के पश्चात वीतरागता सर्वज्ञ और हितोपदेशिता पर विचार किया गया है कि वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी कौन है कैसे हैं और वही आप्त हैं इस प्रकार का उसमें सिद्ध किया गया है। फिर आगे इसमें सिद्ध किया गया है कि अनंत भगवान के अलावा कोई भी आप्त नहीं है और जितने भी आप्त हैं अथवा जो अन्य आप्तों को मानते हैं तो बस आप्त रूपी अभिमान से दग्ध हैं आप्त नहीं है। एक और बात इसमें बताई कि जो आचार्य समंतवत्र हैं अकलंतदेव और विद्यानंद जी स्वामी यह जैन न्याय की कैसे हैं त्रिपुटी के नाम से जाने जाते हैं। त्रिपुटी मतलब जैन न्याय को यदि देखा जाए तो इन तीनों आचार्यों के हम यदि ग्रंथ पढ़ लें इन तीनों आचार्यों को जान लें समझ लें तो जैन न्याय अपना संपूर्ण जैन न्याय का अध्ययन कर सकते हैं। इन्हीं के ऊपर यही जैन न्याय के आधार ऐसा माना जाता है। अब आते हैं विद्यानंद स्वामी जी आचार्य ग्रंथकार का परिचय जो है ग्रंथकार है विद्यानंद स्वामी तो उनका यह कहाँ के थे कि यह कर्नाटक प्रांत के निवासी थे और इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यह ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और कब जन्मे थे कि इनका जन्म 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है और नंदी संत के आचार्य से इन्होंने दीक्षा ली होगी ऐसा माना जाता है। निश्चित तो नहीं है क्योंकि इनका नाम विद्यानंदी स्वामी मतलब नंदी जुड़ा है तो अधिकतर यह होता है कि जो जिस संघ के आचार्य होते हैं वह नंदी जैसे माणिक्य नंदी इत्यादि अपने शिष्यों के नाम के पीछे वह शब्द लगा दिया जाता है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह नंदी संघ के रहे होंगे नंदी संघ के किसी आचार्य से इन्होंने दीक्षा ली होगी। और क्या है इनके ग्रंथ कौन कौन से उपलब्ध हैं इनके मुख्य 3 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं 3 टीकापरक वो 8 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं 3 टीकापरक और 5 मौलिक। टीकापरक कौन से हैं अष्टशास्त्री और तत्वार्थ वार्तिक और युक्त्यानुशासनालंकार यह 3 ग्रंथ टीकापरक हैं। और जो इनके मौलिक ग्रंथ हैं जो इनके द्वारा स्वरचित हैं आप्त परीक्षा प्रमाण परीक्षा पत्र परीक्षा सत्य शासन परीक्षा और श्री पुर पार्श्व पुराण यह पार्श्वनाथ स्त्रोत यह 5 ग्रंथ इनके द्वारा मौलिक लिखे थे। तो अब इस ग्रंथ की इस आप्त परीक्षा ग्रंथ की जो विषय वस्तु है वह 124 कारिकाओं में और 10 प्रकरणों में विभक्त है। इसमें कुल 124 कारिकाएं हैं और 10 प्रकरण दिए गए हैं। 5 कारिकाएं मंगलाचरण परक है कि मंगलाचरण 5 कारिकाओं के द्वारा मंगलाचरण किया गया है और उन इसमें मंगलाचरण में जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके श्रेय मार्ग की संसिद्धि किस प्रकार हो यह बताया गया है। श्रेय मार्ग अर्थात मोक्ष मार्ग की हम संसिद्धि कैसे कर सकते हैं यह बताया गया है। और भी एक चीज इसमें बताई कि आप्त परीक्षा का मूल आधार क्या है तो एक जो सूत्र छंद है हम तत्व और सूत्र में ज्यादातर पढ़ते हैं कि मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्म भूतताम् ज्ञातारम् विश्व तत्वानाम् वन्दे तद्गुण लब्धे इस श्लोक को आप्त परीक्षा का मूलाधार कहा गया है। अब जो मंगलाचरण है कारिका नंबर 1 उसको थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें कहा कारिका इस प्रकार है कि प्रबुद्धा से तत्वार्थ बोध दीदि मालिने नमः श्री जिनेन्द्राय मोहध्वान्त प्रवेदिने कि नमः श्री जिनेन्द्राय श्री जिनेन्द्र को मेरा नमस्कार हो क्यों क्योंकि सबसे पहले प्रबुद्ध शेष तत्वार्थ प्रबुद्ध अर्थात जान लिया है अशेष तत्वार्थ मतलब जो तत्व का अर्थ है अथवा तत्व है वह कोई भी अशेष नहीं रहे हैं मतलब उन्होंने
सबको जान लिया है, और तो इससे कौन से गुण की सिद्धि हो गई? सर्वप्रथम जो बताया था कि वितरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, इन तीन गुणों की सिद्धि इसमें की गई है। तो इससे प्रबुद्ध शेष तत्वार्थ से सर्वज्ञत्व गुण की सिद्धि हो जाती है। अगला आता है मोहध्वांत प्रभेदिने, और कैसे है कि मोह रूपी अंधकार को भेदने वाले हैं, भेदन करने वाले हैं, मोह रूपी कर्म को शत्रु को हराने वाले हैं, तो इससे वितरागता की सिद्धि। और श्री जिन चंद्र इसमें मंगलाचरण में लिया, अर्थात मोक्ष मार्ग उपदेशकत्व की सिद्धि यहाँ पर हो जाती है, हितोपदेशता की सिद्धि यहाँ पर हो जाती है। इसमें मूल इस पूरे ग्रंथ में मूल तीन गुणों पर ही चर्चा की गई है, कौन से? कर्म भूवृत भेदत्व, कि कर्म रूपी पहाड़ों के पर्वतों के भेदता है, विश्व तत्व ज्ञातृत्व अर्थात विश्व तत्व के ज्ञाता है, और मोक्ष मार्ग उपदेशकत्व कि मोक्ष मार्ग के उपदेशक है। इस प्रकार इस मंगलाचरण में जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करके अपने आत्मा के अथवा जिनेन्द्र भगवान के तीन गुणों को यहाँ पर बताया गया है, वितराग सर्वज्ञ हितोपदेशी, इस प्रकार का आज का कुछ।